बात साहब, और मैं सबसे कह रही हूँ कि बात स्वेच्छा से बोलना और किसी को कहना कि भारत में रहोगे तो ये बोलना पड़ेगा। मैंने कितनी डिबेट्स की है यहीं पर जिसमें आप लोगों ने ये बात उठाई और हमने उस पर बात की है कि भाई किसी को जबरदस्ती कहा गया कि जय श्री राम बोले, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। ये स्वेच्छा की बात है, ये मन से आता है, ये आदर से आता है। अगर कोई हिंदू भी बोले, अगर कोई हिंदू बोलेगा अल्लाहू अकबर या वो अपनी स्वेच्छा से कुछ बोलेगा तो उसमें उसकी मर्जी है। इस देश में कोई जबरदस्ती चाकू की नोक पे नहीं बुलवा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है विवेक जी, और इसीलिए मैं इस नारे की बात कर रही हूं। काटी जा सकती है मैम जी, हम लोग को मारा भी जा सकता है। ये क्या बात हुई, हमें मारा जा सकता है? अब यही है उकसावे वाली बात है। सबसे सुरक्षित देश भारत है, मुसलमानों को शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए कि भारत वर्ष में पैदा हुए इस्लाम के तमाम फिरके भारत में सुरक्षित हैं। सऊदी अरब, ईरान और इराक और पाकिस्तान में भी सुरक्षित हैं। मॉब लिंचिंग नहीं किया गया है, जानवर के नाम पर इंसानों का कत्ल नहीं किया गया है। क्या बात कर रही है, मैं तो पूछ रहा हूँ कि जय श्री राम कहने पर मतलब ये जो हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, उसके ऊपर कार्रवाई कहाँ की गई है? लाली साहब, आगे की गई है, उसके ऊपर कार्रवाई कहाँ की गई है? मैं पूछ रहा हूँ, उसे गलत कहाँ ठहराया गया है? कितने डिबेट्स मैंने किए हैं लाली साहब, मैंने खुद की है, आरटीआई लगवा दूंगा। ये मत बोलिए, ये मत बोलिए, मैंने शुरुआत में कहा, मैंने शुरुआत में कहा कि जहां पर भी एक झुंड में लोग आते हैं किसी तरह के धार्मिक नारे बोलने की जिद करते हैं वो गलत है। मैंने ये शुरू में कहा। विवेक जी के पास जा रही हूं, विवेक जी देखिए यहाँ बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं बैठ करके लोग यहाँ पर कि लेफ्ट ने ऐसा किया वैसा किया, 6 दिसंबर 1992 जो इस देश में एक काला दिवस है, अच्छा जिस दिन एक ढांचे को एक भीड़ जाकर के तोड़ देती है, बाबरी मस्जिद को बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के एक खास पॉलिटिकल पार्टी उसको शह देती है, उसके लिए श्रेय लेती है। उसके बाद आज वो अगर आकर के सेक्युलरिज्म का ढोल पीटने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें संदेह है मेरे को बहुत बड़ा। और तब इस देश के समाज बचाने के लिए हम सब खड़े हुए थे, खड़े हुए में छतरी लेकर घूमते थे दिल्ली में, लेफ्ट वाले बीती हुई बात पे हम लोग बार बार बात नहीं करनी है। विवेक भाई, इस देश में आक्रमण करने के हम लोग बार बार एक बार नहीं करना है। ये जो हुआ बाबरी मस्जिद का हो गया, लेकिन उसको लेके हमको अब कुछ नहीं करना है। कोई फायदा नहीं है, लहरी भाई की बात से सहमत हूँ कि अब अयोध्या का मसला अगर समाप्त हो गया, हिंदू मुसलमान शांति से हैं, उसको ना उठाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नियत पे तो प्रश्न चिन्ह बना रहे ना, जो पहले इस तरह की घटनाओं को घटित कर सकते हैं, जिनका एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जो एक पर्टिकुलर संस्कृति में ही विश्वास करते हैं और वो इमिग्रेशन को और अन्य कल्चर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो जब उनकी सरकारें राज्यों में और केंद्र में होती है तो संदेह का वातावरण बिल्कुल बनेगा। और तब इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को मिलकर के देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये जरूरी है और यही हमने किया। देश का हम बीजेपी के घड़ियाली आंसुओं से मैं बहने वाले नहीं है। हमें मालूम है कि इनके डीएनए में क्या है, किस तरीके से योगी सरकार जब आई थी तो स्लॉटर हाउसेस पे अटैक हुआ था। को कोई खतरा नहीं इस देश के, मतलब एक खिड़की नहीं है तो स्लॉटर हाउस हटा दो। देश का हर नागरिक चैंपियन बने थे स्लॉटर हाउस हटाने के, यही योगी साहब। संविधान को दुरुस्त रखने के लिए काम करता है, देश के संविधान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उनसे होता है जो बार बार दिखाते हैं कि खतरा है। ये भी बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड होता है, खतरा खतरा बोलकर लोगों के मन में डर बैठा दो। सरकार जब से आई है तब से मंदिर और मस्जिदों के अलावा कितने मंदिर वर्सेस मस्जिद के डिबेट्स हम कर चुके हैं जब से ये सरकार आई है। ये सरकार एजेंडे वही चलाती है जिससे समाज के अंदर वैमनस्य हो। भाजपा चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों में पोलराइजेशन रहे, ये कहते हैं साहब। अच्छा, ये चाहते हैं कि पोलराइजेशन रहे। प्रेस अफसर आए थे, ठीक है, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब लूंगी। हिंदुओं को बांटा, पोलराइजेशन रहे वाली बात आप बार बार कहते हैं कि ये चाहते हैं इन्हें सूट करता है, ये पोलराइजेशन रहे, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई हो जिससे आपको फायदा मिले? प्रेम शुक्ला जी, देखिए मुझे, मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, मदनी जैसे आतंकवादी को जब आप माफीनामा देते हो तो पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो?
आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का हाथ काटने वाले मुस्लिम आतंकवादी को प्रश्न देते हो तो पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो? अजमल कसाब जैसे नरपिशाच को जब उसके मृत्युदंड के विरोध में आप खड़े होते हो तो आप पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो? जब आप अफजल गुरु के लिए अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाते हो तो आप पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो? तो ये पोलराइजेशन आप क्यों करते हो? बाबर जैसे आक्रांता के चरण चाटने पर आज भी जो आमादा मेरे है मित्र, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि औरंगजेब जैसे समलैंगिक बलात्कारी के समर्थन में आप खड़े हो जाते हैं, सभी आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, तुगलक को आप जो है तंत्र का पता नहीं क्या होगा सर्टिफिकेट देते हैं, तुष्टीकरण की बात हो रही है। एक बार लारी जी को लाऊंगी, एक बार लारी जी को लाऊंगी। लारी जी, मैंने सवाल फिर से पूछ रही हूँ, आपने उसका जवाब नहीं दिया था पहले, क्योंकि आप पहले अपने ही एजेंडे पे बोल रहे थे। जब तुष्टीकरण की बात होती है, बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है, बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण करती है, ये लोग ये आप बार बार कहते हैं, तो आपकी पार्टी क्या करती है? ये जब आप कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मुसलमान खुशी से रहेंगे, प्रताड़ित नहीं होंगे, ये इस तरह के बयान क्या है? ये नहीं है तुष्टीकरण? देखिए मैम, नहीं नहीं, इसको तुष्टीकरण नहीं कहते। अच्छा। इसको कहते हैं कि मुसलमानों को जिनको इन्होंने दबा कर कुचला कर जिनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, वो जुल्म नहीं ढाया जाएगा। दूसरी बात मैडम, ये लोग बार बार कहते हैं बाबर का नाम लेते हैं, हम तो बाबर का नाम नहीं लेते। उसके बाद ब्रिटिश आई तो उसके जासूस रहे, आज ये चाइना के जासूस हैं। तो ये उन्हीं लोगों की बात करते हैं, ये जिना के रिश्तेदार हैं, ये जिना की औलादे हैं, ये बाबर की औलादे हैं, जो हर समय अपने पूर्वज को याद करती है। तारिक अहमद लारी तो इतना बाबर और औरंगजेब को याद नहीं करता है जितने ये लोग याद करते हैं। और ये किसी को कहते हैं कि वो आतंकवादी है तो कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये तो आतंकवादियों को अपने साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में संसद में बैठते हैं, उनके साथ खाना शेयर करते हैं, उनके साथ डाइट शेयर करते हैं। क्या बात कर रही है? आतंकवादियों को तो आप पालते हैं, आतंकवादियों को संसद आप बनाते हैं और इल्जाम हम लोग पे देते हैं। क्योंकि हम मुद्दों पर जब बोलते हैं तो हम सही बोलते हैं, हम जनरल स्टेटमेंट पास कर देते हैं। हर हिंदू हिंदू राष्ट्र चाह रहा है, ये जनरल स्टेटमेंट है। कर रही है हर मुसलमान, आपने जो बात कही, आपने जो बात कही है, ये जो नारों पर बात करेंगे आप, स्पेसिफिक बात करेंगे, हर मुसलमान प्रताड़ित है। आप ये जनरल स्टेटमेंट्स मत बात करिए, इससे गलत संदेश जाता है देश में। इसीलिए मैं कह रही हूँ जनरलाइजेशन कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक होता है ये मत करिए। मुद्दों पर बात करिए, जो सही है सही कहिए, गलत है गलत कहिए। इसीलिए कहती हूँ जब कांवड़ के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हें भी कहा गया है कि किसी तरह के ऐसे डीजे वीजे नहीं बजाने, उसके लिए भी लिमिट्स तय की गई है। ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। क्या मुल्ले जब काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे? मैं एक बार डीजीपी सर से पूछ रही हूँ बस। हाँ, मैं डीजीपी सर से पूछ रही हूँ, उनका ऑडियो ले लीजिए। डीजीपी सर, मैं बस एक लास्ट वर्ड आपसे चाह रही हूँ। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी राज्य के लिए मेंटेन करना, राज्यों से ही पूरे अलग अलग राज्य अपना काम करेंगे तो देश के लिए आसानी होगी कि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, खासकर ऐसे समय जब दोनों धर्म के ऐसे मौके आ रहे हैं जब लोग सड़कों पर होंगे। बिल्कुल सुचरिता जी, ये सभी धर्मों के लिए, सभी त्योहारों के लिए एक रूपता के साथ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, और आज से नहीं है, 50 साल से ये है, 36 साल मैंने किया है और आज तक देख रहा हूँ। और इसमें ये कह देना कि ये एक वर्ग के लिए है, एक त्योहार के लिए, ऐसा नहीं, सभी त्योहार के लिए ऊपर मान्य है, सभी वर्गों के ऊपर, सभी संप्रदाय के ऊपर, और सबको मिलकर देश और देश की शांति के लिए मिलजुल करके इन आदेशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। सबका कल्याण है, भलाई है। और मुझे लगता नहीं मुझे उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है, जो डीजीपी सर ने कहा उस पर अगर हम सब अमल कर लें तो हमारे लिए अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, महाभारत।